हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं आपके साथ मेथी के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खाने से अर्थराइटिक की समस्या में फ़ायदा मिलता है और ये सर्दियों में तो सबके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। और ऐसे ट्रिक का इस्तेमाल किया है कि ये लड्डू एक भी कड़वे नहीं लगने वाले हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें। 150 ग्राम मेथी है जिसे मैंने अच्छे से साफ करके ले लिया। अब इसको हमें अच्छा सा फाइन सा पीसना है। तो ये देखिए, मेथी को मैंने अच्छा सा पीस लिया है और पीसने के बाद इसे अच्छे से छन्नी से छान लें। और जो इसका दरदरा वाला मेथी निकले उसको आप बाल वगैरह में इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इसको मैंने दूसरे बर्तन पे निकाल लिया है। अब यहाँ पे नॉर्मल दूध डालकर इसको हम अच्छे से भिगोकर 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। दूध कम लग रहा, थोड़ा सा और डालेंगे। तो इसको ढककर रख देंगे और ये देखिए 4 से 5 घंटे हो गए हैं और ये बिल्कुल ड्राई सी हो गई है फूलकर। और यहाँ पे ये कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, मखाना, बादाम, किशमिश और नारियल जिसे कद्दूकस कर लिया है। तो चलते हैं गैस की तरफ। ये घी जो अच्छा गर्म हो गया है, अब इस पर हम भूनेंगे गोंद को। घी अच्छा गर्म होने पर ही गोंद को ऐड करें जिससे कि बढ़िया सा फूलता है और इसे हम बाहर निकाल लेंगे। बहुत झटपट से भुन जाता है। और यहाँ पे बादाम और किशमिश डालकर एक साथ इसको हम भून लेंगे। इन्हें आप दरदरा सा पीसना चाहें तो मिक्सी में पीस सकते हैं, या आपको काटना है तो बारीक सा काट लें। और अब उसी घी पे जो हमारा मेथी भीगा हुआ रखा था उसको डाल देंगे और गैस के फ्लेम को मीडियम रखते हुए इसे हमें बढ़िया कलर चेंज होने तक भूनना है। तो इससे इसका जो कड़वापन है वो काफ़ी कम हो जाता है। और आगे भी एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिसे मेथी के लड्डू बिल्कुल पता ही नहीं चलेंगे कि ये मेथी के हैं। बहुत खाने में अच्छे लगेंगे, कड़वापन बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। तो देखिए कलर चेंज हो गया, इसको हम बाहर निकाल लेंगे और वापस से इसी कढ़ाई पर यहाँ मखाना और जो नारियल रखा था कद्दूकस किया हुआ उसको अच्छा सा क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। इसे भी आप चाहें तो घी पे मखाने निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऐसे ही थोड़े से घी में इनको तल लिया है। इन्हें निकाल लेंगे और ये गोंद को ग्लास की मदद से तोड़ लिया है और बादाम और मखाने छोटे छोटे काट लिए हैं। तो उसी कढ़ाई पे हमने घी लिया है और 250 ग्राम मेथी पे 1 किलो आटा पर्याप्त होता है। यहाँ मैंने 150 ग्राम मेथी ली थी इस वजह से मैंने लगभग 700 ग्राम आटा लिया है। ये नॉर्मल वही रोटी वाला आटा है और इसको हम अच्छे से गैस के फ्लेम को मीडियम रखते हुए भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। बराबर चलाते रहेंगे जिससे तली पर चिपके नहीं। तो देखिए इसका कलर बढ़िया सा चेंज हो गया है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे। और ये गुड़ जिसे मैंने तोड़ लिया है और यहाँ पे 1/2 कप पानी डालेंगे और गैस के फ्लेम को मीडियम रखते हुए हमें गुड़ को मेल्ट करना है। तो ये देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे 2 चम्मच घी। इससे क्या होगा कि जो लड्डू हैं वो काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे। इसको मिला लेंगे। अब यहाँ पे सबसे खास ट्रिक है, जो भुना हुआ मेथी रखा था उसको गुड़ पे डालकर हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे जिससे कि इसका जो कड़वापन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। जब भी आप मेथी के लड्डू बनाएं आप एक बार इस ट्रिक का इस्तेमाल करके देखें, बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं। और गैस को हम यहाँ कर देंगे बंद और ये जो आटा फ्राई करके रखा था उसको डाल देंगे और इसे हमें अच्छे से मिलाना है। अब ये जो कटा हुआ ड्राई फ्रूट था इसको मिला देंगे। और इसे ज़्यादा ठंडे होने का इंतज़ार न करें वरना लड्डू नहीं बनेंगे। जैसे ही हाथ से थोड़ा सा छूने लायक हो जाए तो बना लें, आप किसी की मदद भी ले सकते हैं। ठंडा होने के बाद ये काफ़ी फैलने लगता है तो लड्डू बनाते नहीं बनते हैं। देखिए इस तरह से हम लड्डू का सिप दे देंगे और आप भी बनाइए सर्दियों में। 1 ग्लास दूध के साथ 1 लड्डू सुबह खाने से बहुत ही फ़ायदा मिलता है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।